माइनस करके यस yes, निकुंज when you are doing the mom, we are doing the alternado and mom coronado mom I have network issue so mom please बच्चे आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा फिर मैं ऑलरेडी दो बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा ओके मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ये आप कैसे निकालेंगे हमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना कि प्रोपोर्शन पे एक प्रॉपर्टी लगती है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स तो ये दो तीन नंबर्स है तो हम रेशियो क्या लेंगे 2:5 एंड 4:4 फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स ले लेंगे तो प्रॉपर्टी क्या बन गई 2x इक्वल टू 5:4 हो गया राइट तो ये क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5:4 इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा 5 × 4 = 20/2 10 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका 10 आ जाएगा क्लियर है सबको ये शानवी मैम प्लीज एक्सप्लेन द एग्जांपल 1 बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना था आपको तीन प्रोपोर्शनल दिए गए थे ऑलरेडी तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो निकाला उसको एक्स ले लिया और जब हमारे पास चारों नंबर्स होते हैं तो हम उसपे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मैंने एक ही प्रॉपर्टी बताई है आपको ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत यूज होगी प्रोपोर्शन में ठीक है तो उससे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सॉल्व करके और x की वैल्यू हमारी 10 आ गई तो दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शनल क्लियर है यस मैम या तो आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए या आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लीजिए दोनों पॉसिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स देखिए जब भी आपको नंबर्स कितने दिए गए हैं इसमें दो नंबर दिए गए 2.5 एंड 1.5 लेकिन हमारे प्रोपोर्शन में कितने नंबर्स होते हैं चार नंबर्स होते हैं टोटल राइट तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है हमारे चार नंबर्स होते हैं कौन कौन से ए बी सी एंड डी तो आपको क्या करना है जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है वैसे हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होता है सी होता है ना लेकिन हमें दो ही नंबर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन निकालने तो हम क्या करेंगे ए को 2.5 फर्स्ट ले लेंगे नंबर को सेकंड नंबर को भी सेकंड ले लेंगे लेकिन हमें एक ट्रिक क्या है इसमें थर्ड नंबर को भी वही सेम लेना है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बना देना है इसको तो ये फोर्थ बच जाएगा फिर एक बचा सिर्फ तो ये हमारी प्रोपोर्शन बन गई अब यहां से हम निकाल सकते हैं 2.5 × x = 1.5 × 1.5 यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी सबकी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी यस सब कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से x की वैल्यू यहां से जब आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आपको 0.9 मिल जाएगी ओके तो आपका ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा 0.9 ये अक्षत मैम इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई द मीन एंड द एक्सट्रीम्स बच्चे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल हमें दो ही नंबर्स दिए गए तो हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप है हमें थर्ड नंबर को भी वही मानना है फोर्थ नंबर को एक्स मानना है और उसके बाद हम उस पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ओके मैम वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ओके मैम यस दक्ष मैम यस पर 2.4 की जगह 2 कैसे हो गया बच्चे वो मिस्टेक है यहाँ पे 2.5 ही आएगा यस नक्षत्र मैम हमको ये समझ में नहीं आया बच्चे क्या नहीं समझ आया आपको मैम 0.9 कैसे आया
मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. यस निकुंज. मैम देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन. ओके लेट अस चेक. देखिए बच्चे हमने क्या किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/10, दूसरे को भी 15/10 लिख सकते हैं, और 22.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10. ये क्लियर है सबको? तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15, बचा क्या 9/10 बच गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.9. अब क्लियर okay. है सबको? ओके नेक्स्ट थिंग इज थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया. अब एकता अर्न्स 1500 रुपीज इन 10 डेज. अगर वो 10 डेज में 1500 कमाती है तो 30 डेज में कितना कमाएगी? सिंपल आपका यूनिटरी मेथड आ गया. यस और नो? अब इसको रेशियो से कैसे करेंगे? 1500 वो 10 डेज में कमाती है तो वो 30 डेज में कितना कमाएगी? राइट प्रोपोर्शन बन जाएगा आपका 1500 इंटू 30 इक्वल टू 10 इंटू एक्स. तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. वेरी गुड. यस निकुंज. Ma'am, in the previous question, I didn't understand. Ma'am, that third proportion is there. So, ma'am, we can multiply ma'am them. And ma'am, there is ma'am 2.5x is equal to 1.5 into 1.5. So, we can ma'am multiply 15 upon 15 upon ma'am 100 ma'am 225 upon 100. Is equal to ma'am 225 by 100 था. इसको आपको किससे डिवाइड करना है? 25/10 से. जब भी ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, 225 by 100, और जो नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होते हैं उसको इनवर्स कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको इनवर्स करके. तो वहां से आपको ये सेम चीज मिल जाएगी जो हमने किया था अभी. तो 5 मीटर की आपको निकालनी है एक्स होगी. कर सकते हैं सभी ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें? डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट आपका. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.